तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक ये पहला तो एलिफेंट कंजर्वेशन के बारे में है, और पहला जो पूरा ये जो टॉपिक है ये आई थिंक 2020 का जो प्री था उसके अंदर स्टेट अप यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट के बारे में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा आई थिंक शायद नहीं क्वेश्चन सर, थोड़ा ये नहीं था क्वेश्चन, डिफरेंस नहीं पूछा था उन्होंने। पूछा था कि एक उसको लीड कौन करता है उनके हर्ड को, तो फीमेल मेंबर करती है। देन उन्होंने हाईएस्ट वो हाँ पूछी ये थी, तो पॉपुलेशन है। कौन से स्टेट में है। ये था आज आपके, मैं लेक्चर देख रहा था, आपने बोला था मुझे यही आता था सिर्फ कर्नाटका में। हाँ ये देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब इतना आई थिंक इसमें ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मेरे को मतलब स्टेट अप पता थी कि बस उसमें ये पता था कि ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना ये गलत है। ठीक है, बाकी फिर दिमाग लगा रहे थे डिस्कवरी में हमने क्या देखा है, तो वहाँ दिमाग लगा के थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि हाँ यार ये 1 एंड 2 यू इसमें हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सर काफिंग वाला इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम नॉलेज बेस से कभी नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रिपेयर कर सकता है इस क्वेश्चन को। इसमें तो सिंपली सर एलिमिनेट कर सकते हैं, बड़ा इजी एलिमिनेशन हो सकता था इसमें। तो जो सेकंड हाँ स्टेटमेंट है वो कैन भी है, तो वो स्टेटमेंट चल सकता है। बट थर्ड वाला एकदम फैक्चुअल बोला है, 40 ईयर्स ओनली। हाँ करेक्ट, थोड़ा एक्सट्रीम इफ समहाउ स्टेटमेंट आ सर, गया। हाँ इफ समहाउ सर 39 ईयर्स हो जाए, 41 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, साइंस है सर, तो इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। और सर राइट जो ये फोर्थ वाला था, ये ज्यादातर मतलब यूपीएससी ट्वीट करता है ऐसे स्टेटमेंट को, स्टेट हो गया या फिर। आई थिंक ये करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आया ही होगा, जैसे मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही था कि ये कर्नाटका इसका आंसर है। तो वो वाली चीज है कि हाँ मतलब अगर नॉलेज भी नहीं थी तो थोड़ा बहुत वो एक गेस वर्क कर सकते थे कि यार ओनली वाला नहीं है, तो इतना रिस्क ले सकते हो अगर आपका लगता है कि हाँ आपके पास इतना रिस्क ले टेकिंग पोटेंशियल है तो। ठीक है, तो उस मुझे चीज सर से वो इसमें सिर्फ ध्यान। स्टेटमेंट फर्स्ट पता था, तब मैंने अटेम्प्ट किया था, अच्छा सही है यार, क्योंकि तो इस टाइप नेशनल का ज्योग्राफिक में काफी देखता था तो तब से। राइट सही है। तो ब्रॉड लेवल पे ये देख लो कि एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन, मतलब मेरे ख्याल से शायद ये कभी पूछा हुआ तो है यूपीएससी ने, अफ्रीकन और एशियन जो अगर के कुछ तो पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, सो एशियन एलिफेंट की बात करें तो पहले तो आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए जब भी आप ये सब चीज देख रहे हो, तो एंडेंजर्ड है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे फॉरेस्ट एलिफेंट अफ्रीकन की तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और सवाना वाला जो है एंडेंजर्ड है। ठीक है, इनफैक्ट हमने कल देखा था कुछ शायद जाम्बिया एक कंट्री थी उसने साइट्स का जो अपेंडिक्स है उसमें इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी थी। मतलब साइट्स में हमने देखे थे 3 अपेंडिक्स थे और फर्स्ट से लेके थर्ड तक जो स्ट्रिंजेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो वो सेकेंड में लाने की कोशिश कर रहा था जिससे आइवरी का जो ट्रेड है वो और प्रमोट होता, बाकी गवर्नमेंट कंट्रीज ने उसको साइट्स के उस मीटिंग के अंदर शूट डाउन कर दिया। ठीक है, इंडियन एलिफेंट साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, ये भी अपेंडिक्स 1 में, इसके अलावा शेड्यूल 1 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 1 में। ठीक है, नेक्स्ट ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क। अफ्रीकन एलिफेंट्स का एक बहुत ही स्पेशल फीचर क्या होता है, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर टस्क होते हैं। इंडिया के अंदर जो एलिफेंट है या जो एशियन एलिफेंट है उसमें मेल्स के शायद ही टस्क हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ फिंगर लाइक फीचर्स होते हैं ऑन द एंड ऑफ देयर ट्रंक एंड दे हैव 2 फिंगर लाइक फीचर एट द एंड ऑफ ट्रंक। ठीक है, तो ये यहाँ पे आई थिंक दिख रहा होगा एक पॉइंट। ठीक है, सो ये डिफरेंस है ब्रॉडली। और ओवरऑल साइज में बात करें तो अफ्रीकन जो एलिफेंट है और जो इंडियन एलिफेंट है उनके साइज में डिफरेंस है, मतलब अफ्रीकन वाला ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडिया की जो स्पीशीज है उनमें ज्यादातर जो जानवर है ना वो एज कम्पेयर टू एनिमल्स फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स उनसे छोटा ही है, मतलब साइज में छोटे होते हैं, परफॉर्मेंस में थोड़ा से वीकर होते हैं, तो एक इश्यू रहता ही है। तो आई थिंक ये एक ब्रॉड लेवल स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग गेस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लो, अफ्रीकन सवाना बुश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बाकी तो आई थिंक हमने डिस्कस कर ही लिया। ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और एलिफेंट्स आर मैट्रियार्कल, मतलब उसमें फीमेल लीड करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही था। इंडिया के अंदर बात करें तो कर्नाटका इसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय असम एंड देन केरला। टाइगर की हम बात करें तो टाइगर में क्या रेशियो, टाइगर में क्या रैंकिंग है स्टेट वाइज स्टेट्स की?
शायद सर एमपी ये 2 या 3 टाइगर से ज्यादा था, मतलब कर्नाटका से मे बी। कर्नाटका एंड फिर था यूके अपना उत्तराखंड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिम कॉर्बेट थी, ठीक है। तो टाइगर पे भी काफी क्वेश्चन पूछे हुए, इनफैक्ट शायद 20 में या 19 में एक वो पूछा था कि कोर एरिया जो है कौन से टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कल हमने देखा था दो एरियाज होते हैं, कोर और बफर। तो इसका आंसर जो था वो शेषाचलम है, ठीक है। शेषाचलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसीलिए उसमें आंध्र सबसे, प्रदेश में सर, हाँ आंध्रा में है ये, राइट। तो ये पता होना चाहिए था। तो और इसका कुछ पार्ट सर डिवाइड हो गया, तेलंगाना में चला गया था। हाँ सही बोला कि उसको डिवाइड कर दिया था, आई थिंक कुछ नाम भी था यार, चलो कोई नहीं, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, ये शेषाचलम जो है ना, आई थिंक वो तिरुपति वाला जो एरिया है वो वही है शेषाचलम जो है ना। तो इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए इन एरियाज के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो कीस्टोन स्पीसीज है, तो हमने बात किया था कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। तो एक इम्पोर्टेंट मेंबर होता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल रोल होता है उसका पूरे इकोसिस्टम में। उसके बिना जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा डिसहार्म हो सकता है, ठीक है। एंड नोमैडिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी वो माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए एलिफेंट कॉरिडोर्स इंडिया के अंदर भी फेमस है और बार बार न्यूज में आता रहता है। इसके अलावा लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, सीड डिस्पर्सल करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो दे कैन डिग होल्स, ठीक है। वो होल से बेसिकली डिग क्यों करते हैं, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ सके। सो बाकी जो जानवर है उनको भी हेल्प होता है, ठीक है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी या पता नहीं नेशनल पार्क था, तो वहाँ के जो कंजर्वेटर्स हैं, चीफ कंजर्वेटर, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे समर के टाइम गड्ढे खोद कर पिट्स बनाकर उसके अंदर पानी डाल दिया, ताकि ड्रॉट के कंडीशन में उन जानवरों को सफर ना करना पड़े, ठीक है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट टेक्निक बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, बाकी तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया के अंदर। सो एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इन 2010, एंड वाइल द टाइगर फेस्ड थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, द एलिफेंट्स फेस थ्रेट ऑफ एट्रिशन, ग्रेजुअल रिडक्शन, ठीक है। सो टाइगर का तो हमें पता ही है, वो भी इंडेंजर्ड है, लेकिन उसका जो है एक्सटेंशन का थ्रेट था और इनका ग्रेजुअल रिडक्शन था। तो इनके इनके लिए भी ये प्रोजेक्ट लाया गया, एंड इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉल्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट, लॉन्च इन 1992, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक तो इनका नेचुरल जो हैबिटेट्स है उसको प्रिजर्व करना, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके, एड्रेसिंग ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट। तो इसमें हमने बात किया था जैसे कि एक प्लान बी था, ठीक है, जो कि हमने देखा था रेलवेज ने एक एक वो बनाया था, क्या नाम बोलते हैं, स्पीकर्स लगा दिए थे रेलवे ट्रैक के आसपास, जिसमें से बी का आवाज आती है, ठीक है, ताकि वो जो एलिफेंट्स है वो उन ट्रेन रेलवे ट्रैक्स के पास ना जाए और ट्रेन से कोलिजन होने से बच जाए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट है। सो कॉरिडोर बेसिकली क्या करते हैं, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या दो हैबिटेट जो है किसी भी स्पीसीज को, उनको लिंक करने का काम करता है, ठीक है। और हमने देखा कि एलिफेंट जो है एक नोमैडिक बिहेवियर शो करते हैं, सो ऑटोमेटिकली वो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको पैसेज चाहिए होता है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले चाइना का एक इमेज वायरल हुआ था, जहाँ पे एक फैमिली थी एलिफेंट्स की, उन्होंने बहुत लंबा माइग्रेशन रूट लिया था, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इस टाइप के भी सवाल पूछ सकता है। तो राइट ऑफ पैसेज, अ स्टडी पब्लिश बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI इज इन कोलेबोरेशन विद प्रोजेक्ट टाइगर, हैज आइडेंटिफाई 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो नंबर देख लेना थोड़ा सा, 100 से ऊपर हैं जितने एलिफेंट्स कॉरिडोर हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज कॉरिडोर्स आर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फॉलोड बाय साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। सो ऑल्दो हमने देखा था टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो है, सॉरी एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, बट अगर कॉरिडोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉरिडोर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक पिक्यूलियर इसमें वो चीज़ है, ये पता होना चाहिए। बाकी तो ये आई थिंक वो एलिफेंट कॉरिडोर्स दिए गए हैं, एक एक को नाम याद रखना तो इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे। तो नेक्स्ट भी चलते हैं, थ्रेट्स की बात करें एलिफेंट कॉरिडोर को, तो एक मेजर थ्रेट आई थिंक जनरल ये सभी है स्पीसीज के लिए, हैबिटेट लॉस हो गया,
और एक लार्ज ग्रेजिंग एरिया चाहिए इनको, ठीक है। एंड क्योंकि जो हैबिटेट लॉस हो रहा है या जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है बढ़ रहा है, और उसके अंदर देखा गया कि कई कई जगह जो मैन है या जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ ज़्यादा ही डेट्रीमेंटल या हार्म करने वाले टेक्निक्स अपनाते हैं। इनफैक्ट आई थिंक वायनाड का ही एग्जाम्पल था या शायद कोझिकोड का एग्जाम्पल था, जहाँ पे वो एक हाथी को उन्होंने बेसिकली एक पाइनएप्पल में बॉम्ब्स वगैरह रख के खिला दिया था, ठीक है। तो उसका मुंह के अंदर फट गया था एंड वो फिर पानी में खड़ी होकर मर गई थी, ठीक है। काफी बवाल मचा था उस पर। सो इस टाइप के एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग इसके अंदर। सो जरूरी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज को अपनाने के, ठीक है। तो इसमें आई थिंक एक प्लान भी हमने देखा। इसके अलावा एक लेमन ग्रास का फेंस बनाने की बात की गई थी। सो लेमन ग्रास क्या होती है, बेसिकली काफी थोड़ी सी शार्प ब्लेड्स होती हैं। सो उसको देखकर एलिफेंट्स उसके पास नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि कट जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी अच्छा एक टेक्निक है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहते हुए और बिना ये जो स्पीशीज है इनको हार्म पहुंचाए हुए हम लोग हार्मनी में रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोल माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग, तो आई थिंक ये सब जनरल स्टेप्स ही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिटिगेशन स्टेप्स क्या है, एक तो फ्यूजन ऑफ कॉरिडोर्स हो जाए नियर बाय एरियाज में। इसके अलावा हमने देखा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। इको सेंसिटिव एरिया तो ये कौन से एक्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, इको सेंसिटिव एरिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट राइट। 1986, 1986। करेक्ट करेक्ट। 1986 का जो एक्ट है उसके अंदर इसको बोला जाता है। तो बेसिकली 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है किसी भी प्रोटेक्टेड साइट के अक्रॉस, सो स्टेट्स को ये बोला गया था कि आप इसको इंक्लूड करें। सो एक और सवाल बनता है कि क्या ये इको सेंसिटिव एरियाज जो है वो डिफाइंड है ईपीए एक्ट के अंदर। डिफाइन नहीं है, मतलब वर्ड नहीं है प्रेजेंट उसमें ये। करेक्ट करेक्ट, वो उसमें वर्ड प्रेजेंट नहीं है बट पावर ये यहीं से ड्रॉप करता है, ठीक। ऑलराइट, देन हाथी मेरे साथी कैंपेन है तो पता ही, एलिफेंट के लिए है। सो बस इसमें ये पता होना जो पार्टिसिपेटिंग एजेंसी कौन है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये जो कैंपेन है वो लॉन्च एट एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली इन 2011, E8 कंट्रीज। सो इंडिया, बोट्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड। इनफैक्ट बोट्सवाना का एक बहुत देखने को मिला था शायद लास्ट ईयर कि बहुत सारे एलिफेंट मर गए थे इस कंट्री में। सो लोकेशन इसका पता होना चाहिए, अफ्रीका है, साउथ जो सदर्न पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वहाँ ये कंट्री लोकेटेड है, ठीक है। और आई थिंक अच्छा खासा यहाँ पे डेजर्ट एरिया भी तो इसमें, कालाहारी डेजर्ट में भी। कालाहारी, आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं होगा शायद। बाकी आई थिंक सवाना के लिए फेमस है ये ज्यादा, तो ग्रेट गेम कंट्रीज में से एक ये भी है, राइट। ठीक है यार, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट, एशियन एलिफेंट अलायंस। सो इट्स अ कोलेशन ऑफ 5 NGOs, एलिफेंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर IUCN, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, एंड इट कम टुगेदर टू सिक्योर 96 आउट ऑफ द 101 एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स यूज बाई एलिफेंट अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो एज सच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो अलाइन जब भी वर्ड आता है, ये कोलिशन जब भी वर्ड आता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो कई बार ऐसे करके पूछ लेगा कि ये अलायंस जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, तो वो एक एक आई थिंक वो इंग्लिश के उस वर्ड को आप समझ कर आई थिंक पता लगा सकते हो कि जब भी अलायंस की बात हो रही है तो यूजली NGOs ही होंगे उसमें या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे ये 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड एलिफेंट्स के साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने ये देखा है कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें सब में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक वो भी इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट, IUCN एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। सो इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी स्पेशलिस्ट विद कंसर्न विद स्टडी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एशियन एलिफेंट, ठीक है। सो ये बेसिकली एक हाँ कुछ एविडेंसेस ड्रॉ करते हैं टू द अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड जॉग डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट्स अक्रॉस ऑल 13 रेंज स्टेट्स, ठीक है। तो ये 13 रेंज स्टेट्स दिख रहे हैं जहाँ पे एलिफेंट्स मिलते हैं। सो उन सबको ये बेसिकली उसके अंदर साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडीज करता है, ठीक है। सो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN, एंड गजा इज द बाय एनुअल जर्नल ऑफ द एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है।
गजा आई थिंक इस नाम से एक तूफान भी आया था, एंड इंडिया में आई थिंक बोलते भी हैं उसको, और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर भी ये वर्ड या इंक्लूड होता है। तो ये याद होना चाहिए कि गजा जो है IUCN एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप का एक जनरल है, ठीक है, एंड बाइनियल है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। वन हॉर्न राइनो, तो आई थिंक इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वन हॉर्न राइनो इज ओनली फाउंड इन आई थिंक इंडिया ओनली, ऐसा करके एक कुछ स्टेटमेंट 2020 में ही पूछा था, ठीक है। तो इसलिए ये स्पीशीज भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इंडिया में बात करें राइनो का, तो कोई बता सकता है IUCN स्टेटस क्या है इंडिया में राइनो का? वल्नरेबल है, चल वाले ओके ठीक है। ये आई थिंक जो प्रोमिनेंट स्पीशीज है इनका तो याद ही कर लें तो सही रहेगा। जैसे हमने कल बात किया था लेपर्ड का, तो इंडिया में जितने भी सॉरी जितने भी लेपर्ड स्पीसीज हैं, चाहे वो नॉर्मल लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, ठीक है, वो सारे वल्नरेबल है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ अलग अलग स्पीसीज का देखना पड़ रहा है। जितने भी लेपर्ड है वल्नरेबल है, और राइनो जो है अगेन वल्नरेबल है। सो इसमें राइनो स्पीसीज की बात कर लें अक्रॉस वर्ल्ड, तो व्हाइट राइनो एंड ब्लैक राइनो आर फाउंड इन अफ्रीका। ब्लैक राइनो इज स्मॉलर ऑफ द टू अफ्रीकन स्पीसीज। सो जावन राइनो ओनली अ स्मॉल नंबर सर्वाइव इन जावा एंड वियतनाम। तो जावन राइनो जो है वो आई थिंक ये सब एक्सटेंशन के कगार पे है, ठीक है, इंक्लूडिंग सुमात्रन राइनो। सुमात्रन राइनो इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ राइनोसोरस। 30 to 80 राइनो रिमेन इन द वर्ल्ड एंड मोस्टली ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ओनली द ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया। बोथ अफ्रीकन एंड सुमात्रन राइनो हैव टू हॉर्न, वाइल द अदर्स इंडियन एंड जावन हैव अ सिंगल हॉर्न, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन था कि जो वन हॉर्न राइनो इज ओनली फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो आपको अगर पता होता कि हाँ जावा में भी मिलता है, तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे गलत हो जाना था, ठीक है। ओनली अबाउट 24,500 राइनो सर्वाइव इन द वाइल्ड, ऑफ दीज मोर देन 2/3 आर व्हाइट राइनो, ठीक है। राइनो का अगर ये सींग की बात करें, जो इसका जो सींग होता है, इट बेसिकली इज मेड फ्रॉम मेटेड हेयर्स, मतलब वो जो बाल होते हैं वही कंबाइन होके ये हॉर्न बन जाता है। तो कैरेटिन जो है उस कंपाउंड से बना है, ठीक है। कैरेटिन हमारे बालों में होता है बेसिकली, या नेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनली यूज होता है मेडिसिन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग राइनोज के बारे में कि कैसे पॉपुलेशन घट रही है। अगर हम बात करें ग्रेट वन हॉर्न राइनो की इंडिया वाले की, तो वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो दैट इज गुड। एंड जावन राइनो ये सबसे छोटा है इनके अंदर, ये पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस भी देख सकते हो, बाकी सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक ये जो अफ्रीका का जो व्हाइट राइनो वो नियर थ्रेटेंड है, और इंडिया वाला वल्नरेबल है, ठीक है। सो यहाँ देख लेता इंडिया इज ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनो। सो हैबिटेट क्या है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, सवानाज एंड श्रब लैंड, ठीक है। और अगर इंडिया में बात करें, तो मोस्टली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे मिलता है, एंड पर्टिकुलरली इन आसाम, ठीक है। आसाम में बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, जैसे अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, सो ये भी यहाँ इसके अंदर मेजर पॉपुलेशन है। देन पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो कोई बता सकता है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम मे बी अरुणाचल अरुणाचल नहीं में, नहीं सर आसाम ही है आसाम ही है करेक्ट, आसाम ही है। तो ये तीनों जो एरियाज हैं आसाम में ही है। तो इम्पोर्टेंट जो है ना, जैसे आई थिंक काजीरंगा तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सब नेशनल पार्क्स को एक बार देख लेना कि कौन से रिवर के अक्रॉस पड़ते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा पूछ लेता है कि ये वाला रिवर पास करता है या वो वाला रिवर पास करता है। तो जो इतने इम्पोर्टेंट है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर काजीरंगा की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र इसमें से पास करती है। मानस की बात करें, तो आई थिंक मानस रिवर ही है यहाँ पे, वो पास करते हैं। पोबीतोरा का तो आई एम नॉट श्योर कोई रिवर है सच, शायद होगा, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ पोबीतोरा। तो ऐसा जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जरूर देखना। नेक्स्ट बात असम करें, के नेशनल पार्क की एक ट्रिक है जो 7 नेशनल पार्क है इसमें मॉन्क DDR मतलब जो ओल्ड मॉन्क आपने सुना होगा मॉन्क DDR तो M से मानस O से ओरांग N से नामेरी K से काजीरंगा D से डिब्रू साइकोवा और दूसरे D से दिहिंग पटकाई और R से नए रायमोरा हाँ, राइमोना। अब ये
ये रिसेंटली बना तो इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? और ढींग पटकाई भी सर वो भी रिसेंटली बना है, पहले 5 ही थे। तो ट्रिक है मॉन्ग डीडीआर करके। तो अगर ऐसे हमारे पास निमोनिक्स है, इनफैक्ट एक मेरे पास पूरा यार मैसेज पड़ा था जब हम लोग पूरे निमोनिक्स बने हुए थे, तो वो भी मैं एक बार पोस्ट कर दूंगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो है ना, खासकर आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एनवायरमेंट का। तो आई थिंक एक एक गेस वर्क करने में भी हेल्प मिल जाती है अगर आपके पास इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन है तो, है ना? सो कूल, नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज द लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज, सेकेंड ओनली टू द एशियन एलिफेंट। एंड जो हॉर्न होता है इसके अंदर दोनों स्पीशीज में होता है, जैसे हमने एलिफेंट में देखा था केवल मेल के अंदर ही टस्क होता है, बट यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल राइनोज के पास वो हॉर्न होता है, ठीक है? बाकी तो हमने पढ़ी लिया, IUCN स्टेटस देख लिया, साइट्स में जो जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्पीशीज है ना वो अपेंडिक्स वन में आते हैं और स्केड्यूल वन में। इंडिया में अगर एफर्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, विजन 2020 वाला प्रोग्राम जो है ये न्यूज में था काफी टाइम से। सो इन 2005 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम अडॉप्टेड द एम्बिशियस इंडियन रेलवे, सॉरी इंडियन राइनो विजन IRV 2020 प्रोग्राम, एक पार्टनरशिप विद वर्ल्ड WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया एंड इंडियन राइनो फाउंडेशन, ठीक है? सो यहाँ पे एक नॉट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ था, एशियन राइनोस 2019 वाज अनाउंस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज ऑफ 5 राइनो रेंज नेशंस, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। GOI अनाउंस्ड अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट DNA प्रोफाइल्स ऑफ ऑल राइनोज इन द कंट्री। सो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी वॉज लॉन्च इन 2019 टू कंजर्व इंडियन राइनो, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट था, आई थिंक काफी न्यूज में था ये, इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा आगे लिखा हुआ भी इसके बारे में। सो कंसिडरिंग सो मेनी राइनोज इन सिंगल प्रोटेक्टेड एरिया लाइक काजीरंगा एक्सपोज द स्पीशीज टू रिस्क ऑफ कैलामिटीज, ठीक है? इनफैक्ट काजीरंगा में एक इशू क्या रहता है, हर साल जो है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लड होती है, एंड उसकी वजह से कई जो राइनोज है मर जाते हैं, ठीक है? तो एक प्रूडेंट तरीका नहीं है सारे के सारे जो राइनोज है उनको एक जगह रखने का, तो इनको स्प्रेड करने की जरूरत है। तो यही इंडियन राइनो विजन में बोला गया था। एंड इन देयर फोर इन 2005 कंजर्वेशनिस्ट अलोंगसाइड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एंड गवर्नमेंट ऑफ असम केम टुगेदर टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज, ठीक है? और विजन क्या था, तो विजन था इसमें 300 वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर 100 राइनो बाय 2020 स्प्रेड अक्रॉस 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है? सो ये जो था लाइन जो है इट्स इम्पोर्टेंट, तो पूरा गोल था इसके अंदर, ठीक है? सो पोटेंशियल राइनो हैबिटेट्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अगर बात करें सबसे ज्यादा राइनोज की तो काजीरंगा में है, उसके बाद मानस और पोगीतोरा के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है? तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ इवेल्युएशन क्या रहा है इसका, सो 2020 निकल चुका है तो ऑटोमेटिकली इसका इवेल्युएशन करना था। सो जो टारगेट था 3000 राइनोज का वो अचीव हो गया। अलॉन्ग साइड द ग्रोथ ऑफ वाइबल राइनो पॉपुलेशन मानस रीगेन्ड हर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, बट द स्प्रेड ऑफ राइनो अक्रॉस 4 प्रोटेक्टेड एरिया बियॉन्ड काजीरंगा ओरांग एंड पोगीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुड नॉट बी मटीरियलाइज, ठीक है? सो कोशिश थी कि जो 5 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके अंदर स्प्रेड कर दें, बट वो प्रॉपर नहीं हो पाया, ठीक है? बाकी तो आई थिंक सच कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। राइट नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉल्फिन स्पीसीज इन इंडियन वाटर्स, सो डॉल्फिन पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना अतुल? हाँ सर, एक दो टाइप की होती है ना डॉल्फिन, एक इंडस, उसमें एक इंडस रिवर में मिलती है, नहीं ब्यास रिवर में मिलती है इंडस, एक फ्रेश वाटर होती है जो गंगा के इंडस ही बोल सकते हैं चैनल्स में उनको, मिलती हाँ इंडस है। बोल सकते हैं उनको। इनफैक्ट ये जो डॉल्फिन्स हैं पांच छह तरह की है, मतलब अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी हम बाहर जाएं तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं यार काफी पूछा हुआ है, तो ये देख लो डॉल्फिन, इरावाड़ी डॉल्फिन पे क्वेश्चन था 2019 के अंदर, ठीक है? सो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक और बार फिर से पूछा हुआ, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा हुआ इंडिया का, तो ये तो आई थिंक कुछ ज्यादा इजी होगा। इसके अलावा
पोचिंग के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाली भी स्पीसीज, काफी बार पूछा हुआ है, इनफैक्ट 3-4 बार पूछा हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। सो साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन इज डिवाइडेड इनटू टू स्पीसीज। तो पहला है गंगा गैंगेटिक डॉल्फिन एंड इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है। तो दो टाइप की स्पीसीज हम कह सकते हैं इंडिया में मिलती है, एंड आई थिंक एक बार शायद ऐसा सवाल पूछा था इज ओनली फाउंड इन इंडिया करके। तो जब हम गैंगेटिक बात करें या इंडस रिवर डॉल्फिन बात करें, तो उनका जो स्प्रेड है वो इंडिया से बाहर भी जाता है इन रिवर्स का, तो ऑटोमेटिकली जो फिशेज हैं आउटसाइड इंडिया भी मिलेंगी, लाइक नेपाल पाकिस्तान एक्सेट्रा, ठीक है। सो थ्रेट क्या है, वही आई थिंक जनरल सी बात है, जो बाकी फिशेज को थ्रेट है वही इनको थ्रेट है, तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड है, सारी तरह की मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको मिली हुई है WPA Schedule 1 के अंदर एंड साइट्स के अंदर Appendix 1, ठीक है। गैंगिस रिवर डॉल्फिन की बात करते हैं तो कॉमनली इसको सूसू कहते हैं, क्योंकि इसका जो ब्लो होल होता है उसमें से जैसे ही रेस्पायर करता है तो सू और सू की आवाज आती है, ठीक है, इसलिए वो सूसू नाम है इसका। एंड इट इज इंडिकेटर स्पीसीज फॉर रिवर गंगा, ठीक है। इंडिकेटर कैसे, कि अगर ज्यादा पॉल्यूटेड है या सस्टेनेबल नहीं है उसका वाटर, तो ये एबसेंट रहेंगी, तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या हालत है उस इकोसिस्टम की, ठीक है। सो सूसू कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड इज एसेंशियली ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड है तो ये भी पता होना चाहिए। तो काम कैसे करती है, तो ये जैसे बैट्स काम करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करके, वैसे ये लोग भी काम करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, तो बांग्लादेश के अंदर भी है, कर्णाफली संगू रिवर सिस्टम ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, सप्तकोशी एंड कर्णाली रिवर इन नेपाल, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसको 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया था, और असम का स्टेट एनिमल है। एंड ओनली द गैंगिस रिवर डॉल्फिन इज करेंटली लिस्टेड ऑन द CMS, ठीक है, CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, CMS को कोई बता सकता है क्या नाम है? CMS को और नाम से भी जानते हैं, बॉन कन्वेंशन, राइट, बॉर्न कन्वेंशन, वो पता होना चाहिए, सही है। एंड बात बात करें जैसे हम बाकी कन्वेंशन की बात करते हैं, CCD की बात करते हैं या CBD की बात करते हैं या UNFCCC की बात करते हैं, वो सब 1992 का जो रियो समिट था उसमें से निकल रहा, और ये जो है ये समिट आई थिंक 1986 में, उससे पहले ही आ गया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एंड इसके बारे में एक यूनिक फीचर क्या है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनका जो पूरा रेंज है जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, उस पूरी रेंज के लिए ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है, ठीक है। तो एक यूनिक डिस्टिंक्शन है CMS के पास। नेक्स्ट, कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने क्या एफर्ट लिया, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई है बिहार के अंदर हमने, ये पता होना चाहिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी जो कि पाला डायनेस्टी ने बनाई थी, राइट। सो उसी नाम से वहां पे रखी गई है। एंड बाकी आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। हाँ, इंक्लूडेड अमंग 21 स्पीशीज अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर वो इनकी पॉपुलेशन, जो कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या जो फिशेज हैं, उनकी कंजर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इंक्लूडेड है, एंड नेशनल गंगा काउंसिल को सेटअप किया गया था। तो ओवरऑल वैसे तो वो गंगा के लिए, लेकिन गंगा के अंदर एक गंगा का एक इनहेरेंट पार्ट है ये डॉल्फिन, तो बेसिकली इसकी भी पॉपुलेशन हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नेशनल गंगा काउंसिल, इसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड करते हैं, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करते हैं, तो ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का, एंड जैसा अतुल बोल रहे थे कि ब्यास के अंदर मिलता है, सतलुज के अंदर मिलता है, एंड ये सब जो रिवर्स है फाइनली इंडस में जाके मिलती है, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी है। सो रवि ब्यास इज द ओनली हैबिटेट ऑफ इंडियस इंडस रिवर डॉल्फिन इन इंडिया, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। हाँ, तो ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा होता कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो ये तो पता ही है सबको। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन पूछा, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन इन डिक्लाइन ऑफ, आई थिंक ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, किसी को नहीं भी पता होगा तो वो इन सब चीजों को देख के फिगर आउट कर सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आई थिंक इसमें अच्छे हैं ऑप्शन, तो देख ही लेते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस ऑन रिवर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर, गेटिंग ट्रैप इन फिश नेट्स एक्सीडेंटली, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर। क्या आंसर होना चाहिए इसका? हेलो, क्या आंसर होना चाहिए? मे बी 1 3 तो हैं सर ऑप्शन, तो 1 3 4 होना चाहिए।
सेकंड आप कैसे एलिमिनेट करोगे? सर उसका प्रीडेटर थोड़ा ना है, वो क्रोकोडाइल की वो डॉल्फिन को खाता है। हाँ, प्लस गंगा और इनमें ना जो फ्लो है पानी का वो इतना ज्यादा है कि वहां पे क्रोकोडाइल ऐसे रह नहीं सकते। क्रोकोडाइल हमेशा ऐसे रिवर्स में रहते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी शैलो, और गंगा में ऐसे शैलो पानी नहीं है। गंगा तो लोग अच्छा खासा है गंगा का, तो इसको इस सेंस में एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और मे बी सर वहां सेकंड पे घड़ियाल होते हैं, नॉट क्रोकोडाइल। घड़ियाल, क्रोकोडाइल पूरा जो फैमिली है ना ये मतलब इतने स्ट्रॉन्ग स्विमर्स नहीं होते, तो ये हमेशा शैलो पानी वाली जो रिवर्स होंगी ना वहां मिलेंगे, जैसे दलदली एरिया हो गया या जहाँ पे पानी की डेप्थ कम है, क्योंकि वहां पे वो तैर सकते हैं रिवर के फ्लो के अगेंस्ट। लेकिन जहाँ पे गंगा जैसी रिवर है अगर आप जाके देखो तो इतनी डेप्थ है और इतना तेज बहाव होता है कि क्रोकोडाइल जैसे जानवर उसमें तैर ही नहीं पाएगा, मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर। सो उस सेंस में भी इलिमिनेट कर सकते थे इसको। ठीक है, बाकी कूल है। नेक्स्ट चलते हैं, इरावाड़ी डॉल्फिन। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था तो पता होना चाहिए। तो इरावाड़ी जो है बेसिकली हमारा जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, उसमें एक रिवर है इरावाड़ी। ठीक है, सो वहां से आती है। लेकिन इनका खास फीचर क्या है कि जैसे अभी हमने इंडियन दोनों फिशेज देखी, सो डॉल्फिन देखी, तो वो दोनों फ्रेश वाटर थी, बट इरावाड़ी डॉल्फिन जो है वो ब्रैकिश वाटर में रहती है। ठीक है, यानी थोड़ा पानी जो है सॉल्टी होता है, या तो रिवर और जो सी है उसके इंटरफेस में देखने को मिलती है। बट अभी रिसेंटली देखा गया था चिलिका लेक के आसपास भी ये आ जाती हैं। ठीक है, सो इन एस्टुरीज इंक्लूडिंग गैंगीज एंड मेकोंग एज वेल एज इरावाड़ी रिवर फ्रॉम विच इट टेक्स इट्स नेम। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इरावाड़ी रिवर में मिलती है, इनफैक्ट मैकोंग हो गई गंगा में भी ये मिल जाती है। ठीक है, और हमारा जो चिलिका लेक है उड़ीसा के अंदर उसके अराउंड भी ये मिलती है। सो इसके IUCN की स्टेटस की बात कर लें, सो एंडेंजर्ड है एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन CMS। ठीक है, एंड बाकी आई थिंक शेड्यूल 1 में है, साइट अपेंडिक्स 1 में है, प्रोजेक्ट डेल्फिन डॉल्फिन प्रपोज है, आई थिंक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आई थिंक और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इसके अंदर। और नेक्स्ट चलते हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन मेजर बाय इंडिया। सो गंगा एक्शन प्लान जो था 1985 में लाए थे, तो गवर्नमेंट इंक्लूडेड गैंगेटिक डॉल्फिन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ WPA 1972। विक्रमशिला, ये तो सब पढ़ ही लिया यार। ठीक है यार, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 अक्टूबर 5 जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस एक बार पढ़ लो तो अगर याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इम्पोर्टेंट स्पीशीज है इंडियन क्रोकोडाइल स्पीशीज। ठीक है, न्यूज़पेपर में आता ही रहता है इनके बारे में, हर 2-3 महीने में एक बार मिल जाता है इनके बारे में। तो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, जितने भी इम्पोर्टेंट स्पीशीज है बार बार न्यूज में आते रहते हैं, तो एटलीस्ट उनका तो IUCN स्टेटस पता कर ही ले हम लोग। सो इंडिया में मोस्टली IUCN सॉरी जो क्रोकोडाइल की जो स्पीशीज है वो फर्दर डिवाइडेड है इंटू घड़ियाल्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, सो उसमें एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है घड़ियाल। तो बेसिकली घड़ियाल का जो माउथ होता है एकदम स्नाउट जैसा होता है, एक लॉन्ग ट्यूब के जैसा। ठीक है, ऊपर ऐसा स्नाउट रहता है उसका। ठीक है, और इसीलिए इनके मतलब उसको बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आप बोल सकते हो कि ये जो है ज्यादा बड़ी फिश नहीं खा सकता, छोटी छोटी फिश खा के जिंदा रहता है। ठीक है, जैसे कि नाइल रिवर क्रोकोडाइल देखा हो तो वो बहुत जायंट होता है, वो बड़े बड़े जानवरों को मार देता है, लेकिन ये बेचारे की पतली सी चोंच सा जैसा मुंह होता है, सो इसलिए बड़े जानवर को मार नहीं सकता, छोटी फिश को खा के जिंदा रहता है। ठीक है, सो घड़ियाल इज ना सर ओनली सर सबसे लॉन्गेस्ट जो क्रोकोडाइल है वो इधर मिलते हैं चिल्का लेक में, ग्रेट सॉल्ट क्रोकोडाइल। अच्छा। उनकी लेंथ अराउंड 20 मीटर तक होती है, 18 to 20 मीटर। 20 मीटर? हाँ सर, 20 मीटर से कुछ नहीं ज्यादा हो फीट गया, फीट फीट फीट, सॉरी सॉरी सॉरी, फीट सर, फीट। फीट हो सकता है। सही है, तो ठीक है, देखते हैं इसको, आई थिंक आगे आएगा वो वाला भी। सो घड़ियाल इज नोन एज द ओनली फिश ईटिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, मतलब क्रोकोडाइल बोल रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्रोकोडाइल एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसके अंदर घड़ियाल एक मेंबर है। जैसे हम बोलते हैं टाइगर जो है वो फलाइन फलीन जो स्पीशी फैमिली है उसका पार्ट है, तो वैसे ये क्रोकोडाइल फैमिली है, या क्रोकोडिलिया बोलते हैं उस फैमिली का पार्ट है। एंड ओनली फिश वेटिंग फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर पे ध्यान देना। इट इज अमंग द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रोकोडिलियंस। हैबिटेट की बात करें, क्लीन रिवर विद सैंड बैंक। ठीक है, क्लीन रिवर सैंड बैंक, तो एक तरीके से ये भी इंडिकेटर स्पीशीज है, अगर रिवर क्लीन नहीं है तो ये भी नहीं मिलेगा, इसीलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
पहले पूरे बहुत सारी नदियों में मिलते थे, बट अभी इंडिया में जैसे बात करें तो चंबल वगैरह में मिलते हैं। टुडे दे आर एक्सटेंट इन इंडस, ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश एंड द इरावाड़ी। इनफैक्ट अभी बात चल रही है कि ब्रह्मपुत्र के अंदर ये जो क्रोकोडाइल्स हैं इनको वापस रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, सो ओनली वाइबल पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन नेशनल चंबल सेंचुरी। चंबल वाला जो एरिया है पता ही होगा, अगर राजस्थान का थोड़ा सा एरिया है, एमपी का जो मुरैना और मतलब ऊपर ऊपर का जो ग्वालियर से ऊपर ऊपर का एरिया वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, सो बैडलैंड टोपोग्राफी नाम से भी जाना जाता है चंबल एरिया। ठीक है, तो जोग्राफी का भी एक पॉइंट है इसमें। स्प्रेड्स अक्रॉस 3 स्टेट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड एमपी। तो मुरैना वाला जो एरिया है वो एमपी में है, राजस्थान में पता ही है चंबल रिवर क्रॉस करती है कोटा और बाकी शहरों से, एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्मॉल नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन सोन, गंडक, हुगली, घाघरा एंड सतकोशिया। तो ये सोन के ऊपर एनजीटी के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी कि सोन रिवर से ना सैंड माइनिंग कर रहे थे लोग। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन ना डिक्रीज हो रहा था। सो ये देख सकते हैं, ये है हमारा घड़ियाल। ठीक है, एकदम चोंच जैसा मुंह है और इसीलिए बेचारा बड़े जानवर नहीं खा सकता, इतना सा मुंह है तो जो जाएगा वही खा पाएगा, तो फिश ही खा सकता है ये बेचारा। ठीक है, सो थ्रेट्स वही सेम थ्रेट हैं जो ऊपर हमने देखे, कोई अलग चीज नहीं है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्केड्यूल वन में, अपेंडिक्स वन में। ठीक है, सो इफ यू वांट, एक यूपीएससी ने देखो कैसा सवाल घुमा के पूछा हुआ था, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द बेस्ट टू विजिट। सो भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल रिवर, पुलिकट लेक, बीपोर बिल। ठीक है, तो आई थिंक पहले तो ये सारे एरियाज जो है उनके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट कौन से स्टेट में। जैसे भितरकनिका की बात करें तो उड़ीसा में, चंबल राजस्थान में, पुलिकट की बात करें तो लेक पुलिकट आई थिंक पुलिकट का नाम तमिलनाडु और जो आंध्रा है उसके बॉर्डर पे लोकेटेड है पुलिकट। ठीक है, एंड दीपोर बिल असम में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाना था वो चंबल हो जाना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन सिंपल सा। नेक्स्ट बात करते हैं मगर या इंडियन क्रोकोडाइल या ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल। ठीक है, स्नाउट की जब हम बोलते हैं तो स्नाउट जो है वो बेसिकली ये देख रहे हो फेस आगे वाला, इसको स्नाउट बोलते हैं। ठीक है, सो ब्रॉड है इसका मुंह, तो ये बड़ी जो जानवर है उनको भी खा सकता है। सो इट्स अ फ्रेश वाटर स्पीशीज फाउंड स्पार्सली इन वेरियस लेक्स, रिवर एंड मार्शेज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर लेक, रिवर, मार्शेज, प्रिफर स्लो मूविंग एंड शैलो वाटर बॉडीज। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट हमने पहले भी देखा था, क्योंकि इतना बड़ा जानवर है और इतनी एजिलिटी नहीं है कि ये तैर सके रिवर फ्लो के अगेंस्ट, तो ज्यादातर शैलो वाटर जो एरियाज होते हैं वहां पे ये रहते हैं। तो इट्स थ्राइव इन आर्टिफिशियल रिजर्वर एंड इरीगेशन कैनाल। सो इसका बात करें तो ये फाउंड थ्रू आउट इंडिया। सो मगर जो है इनका जो एरिया है ये काफी बड़ा है एज सच, तो ये मैप में अगर आप देख सकते हो सो ऑल अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो थ्रेट्स इसको भी वही सेम थ्रेट्स हैं, फिशिंग वगैरह का प्रॉब्लम है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट इसका आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल। ठीक है, पूरे इंडिया में मिलता है तो ऑटोमेटिकली वल्नरेबल ही होगा, अपेंडिक्स वन एंड स्केड्यूल वन ऑफ WCWPA एंड साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो नाम में सॉल्ट मिल गया तो इसका मतलब जो नमकीन या ब्रैकिश वाटर है वहां पे रहता होगा, सो ये लीस्ट कंसर्न है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड हैबिटेट की बात करें तो सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर वेटलैंड्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, सो इंडिया का जो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ लोकेटेड है, अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, सुंदरबंस में अच्छा खासा पॉपुलेशन है। सो मैप में आई थिंक वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये जो पूरा एरियाज है इसके अंदर ये लोकेटेड है। सो प्रॉब्लम वही है, 100% इलीगल हैबिटेट लॉस लीस्ट कंसर्न है, लेकिन WPA और जो साइट्स हैं उन दोनों में स्केड्यूल वन और अपेंडिक्स वन में। ठीक है, सो ऑल थ्री, एक एक कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने भी तीनों जो स्पीशीज थी क्रोकोडाइल की, हमने देखा घड़ियाल देखा, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल देखा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखा, तो ये सभी स्केड्यूल वन में है और अपेंडिक्स वन में है साइट के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कंक्लूजन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। सो बहुत सारे जो जैसे हमने देखा घड़ियाल इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, तो उन सबको एक पाथ ऑफ रिकवरी पे लाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एंड ऑब्जेक्टिव वही सिमिलर है, एज सच कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ग्रो एंड रिलीज, ठीक है यार ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी टर्टल्स, तो आजकल सी टर्टल्स काफी न्यूज में है, चैनल के ऊपर ना आप देखोगे टर्टल्स के ऊपर पूरा एक राइटअप है, तो
जस्ट एक बार सर्च कर लेना टर्टल करके, आपको पूरा एक अच्छा खासा राइटअप मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, टर्टल्स के ऊपर ग्रुप के अंदर। सो टर्टल स्पीशीज ऑफ इंडिया में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या। सो ठीक है, ओके। सो क्रिटिकली सर एंडेंजर्ड है। सर टर्टल और टॉर्टोइस में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, ये भी वैसे ग्रुप पे एक राइटअप में लिखा हुआ है। इनफैक्ट टर्टल, टॉर्टोइस और ट्रैपिन, ये तीन मतलब सिमिलर से स्पीशीज लगते हैं और इंटरचेंजेबल भी कभी कभी नाम भी यूज करते हैं, तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो टर्टल जो होते हैं वो बेसिकली एम्फीबियंस होते हैं, एंड मोस्टली वैसे तो सी में ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग, और इनके जो पाँव होते हैं वो फिन्स के जैसे छलनीदार होते हैं, ठीक है, फिन्स होते हैं इनके। और टॉर्टोइज की बात करें तो मोस्टली लैंड बेस्ड एनिमल है, और इनके जो फुट होता है वो एकदम फ्लैट होता है, मतलब चलने के हिसाब से बना रहता है, ठीक है। और ट्रैपिन जो होता है वो बेसिकली छोटा ही होता है, इन दोनों से छोटा होता है, टॉर्टोइज और टर्टल से, तो उसको ट्रैपिन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक आई थिंक कुछ कंटेंट लिखा हुआ है चैनल के ऊपर ही, तो उसको भी एक बार देख लेना, काफी अच्छा लिखा हुआ था, ठीक है। सो ये और कुछ ऐड करना था क्या अतुल? नहीं सर, मेरे को बस डाउट था। वो राइटअप जरूर देख लेना, काफी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब टर्टल के बारे में ना चैनल पे मैंने एक दो बनाए थे वो, तो उनमें काफी सही लिखा होता, कई अच्छे सोर्सेस से देख के, तो देख लेना उसको। हाय दीप्ति, ठीक है। मे बी सर टॉर्टोइज हर्बीवोरस होते हैं या फिर कार्निवोरस भी हो सकते हैं? टॉर्टोइज मतलब आई थिंक दोनों ही होते हैं ना, जैसे आई थिंक यूपीएससी में सवाल पूछा था, सम टर्टल्स आर हर्बीवोर्स ऐसा करके, तो दोनों ही मतलब होते हैं कि कुछ हर्बीवोर्स भी होते हैं और कुछ कार्निवोर्स भी होते हैं, तो वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल, हैबिटेट लोअर ब्रह्मपुत्र रिवर, दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स ऑफ टेम्पल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। आई थिंक कोई एक टेम्पल था जिसने ना अपने पॉन्ड्स में, कोई फेमस टेम्पल शायद कामाख्या देवी मंदिर जो है उसके पॉन्ड में था, मतलब आई एम नॉट श्योर, शायद कामाख्या देवी मंदिर था, या कोई एक और कोई बहुत ही फेमस मंदिर था जहाँ के टेम्पल पॉन्ड के अंदर इन्होंने ये कछुओं को प्रिजर्व किया था, ठीक है, एंड फिर उन्हें वाइल्ड में रिलीज कर दिया था। सो ये पता होना चाहिए, ब्लैक सॉफ्ट शेल्टर टर्टल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो जितने भी स्पीशीज है ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो साइड्स अपेंडिक्स वन में इंक्लूडेड है, एंड ये इसकी फोटो है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। नेक्स्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगेन हॉक्सबिल टर्टल। हॉक्सबिल टर्टल स्पीशीज इज माइग्रेटरी इन नेचर, नेस्टिंग इन अराउंड 70 कंट्रीज अबाउट द वर्ल्ड। मैच्योरेशन इज स्लो एंड इज एस्टिमेटेड बिटवीन 25 to 40 ईयर्स। हैबिटेट की बात करें तो नेस्टिंग अकर्स ऑन इनसुलर एंड सैंडी बीचेस। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो इनफैक्ट अभी हेलो अगर सर, पता हो तो, हाँ हेलो, हेलो सर, क्या सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि जो हिंदी लैंग्वेज में भी सर कोई क्लास चलती है सर, यार मतलब हिंदी हम मीडियम कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इंग्लिश? दोनों लैंग्वेजेस में हो, अभी लिखा हुआ ये इंग्लिश में है बट ट्रांसलेट करें हिंदी में, बट एज सच यार जो है वो यही सेशन है, हिंदी में अलग से कोई सेशन नहीं होता ना। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, तो आप ग्रुप के मेंबर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। राइट, अच्छा सो ओके ये देख लीजिए हॉक्सबिल टर्टल जो, इनफैक्ट अभी करंट अफेयर्स में क्या था ओके कि ओके सर, ओके थैंक्स। थैंक यू। सो आई थिंक अभी अंडमान एंड निकोबार पे ना उन्होंने कुछ आइलैंड्स पे कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट्स दे दिए थे सीआरजेड को अमेंड करके, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को अमेंडमेंट करके अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड्स पे कंस्ट्रक्शन का परमिट दे दिया था, जिसकी वजह से कई इन्वायरमेंटलिस्ट ने ये चीज प्रोटेस्ट किया था कि ये जो टर्टल है हॉक्सबिल टर्टल है या लेदर बैक टर्टल है, इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो टर्टल्स हैं इनको जरूर देख लेना, न्यूज में थे काफी, ठीक है। सो टर्टल्स की बात करें तो इंडिया के अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड उड़ीसा, वहाँ पे ये हॉक्सबिल टर्टल मिलता है। आईयूसीएन स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। एंड बाकी वही शेड्यूल वन में, अपेंडिक्स वन में। नेक्स्ट
इंडिया नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल, ठीक है, तो ये एक जायंट सा ब्लॉब जैसा आप क्रिएचर देख सकते हो। सो इंडिया नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल इज स्पीसीज फाउंड इन रिवर्स ऑफ इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, सतलुज, इंडस, गैंगेज, ब्रह्मपुत्र, महानदी एंड पद्मा, ठीक है। सो बहुत सारे रिवर्स में मिल रहा है इंडिया की। एंड IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, और WPM में शेड्यूल 4 में, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कोई न्यूज में था, ना कोई शेड्यूल 1 में भी नहीं है और अपेंडिक्स 1 में भी नहीं है, ठीक है, तो इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जो याद रह सके उनको जरूर देखना। नेक्स्ट, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, बंगाल रूफ टर्टल, तो ये भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, ये काफी न्यूज में था आई थिंक, बिकॉज इसकी कुछ इलीगल ट्रेडिंग वगैरह पकड़ी थी इन लोगों ने, सो इसलिए पता होना चाहिए। कल हमने एक अथॉरिटी की बात करी थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। सो क्वेश्चन इज इट अ स्टेट्यूटरी बॉडी और एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो? मे बी सर एग्जीक्यूटिव है, अंडर WPA बनी थी मे बी। WPA के अंडर बना रहे हो तो फिर एग्जीक्यूटिव कैसे बनाओगे? WPA के अंडर बना दिए तो फिर तो स्टेट्यूटरी होगी ना, तो स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ओके ओके कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना। सो इसके अलावा NTCA भी जो है वो इसी के अंडर बना है, तो वो भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, बताना चाहिए। सो रेड क्राउन रूफ टर्टल, बंगाल रूफ टर्टल, सो रेड क्राउन रूफ टर्टल इज अ फ्रेश वाटर टर्टल एंडेमिक टू साउथ एशिया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ गया कि एंडेमिक भी है साउथ एशिया में। सो जब साउथ एशिया बोल रहे हैं तो इसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें अपना बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है। सो फाउंड इन द नेशनल चंबल सेंचुरी टू द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एंड नेपाल, ठीक है। थ्रेट्स क्या है? पॉल्यूशन वगैरह वही सब थ्रेट्स हैं, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 2nd में, ठीक है। सो इस टाइप की जो स्पीशीज न्यूज में है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह है, तो इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो रेड क्राउन रूफ टर्टल ये फोटो है, एंडेमिक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट फीचर है, दूसरा पूरे सब कॉन्टिनेंट तो नहीं, इंडिया, वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश, वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। सो उस रीजन में एंडेमिक है। हाँ, मतलब इसमें ऐसा ध्यान रखना कि अगर हम ऐसा बोल दें कि सिर्फ इंडिया में एंडेमिक है तो वो गलत हो जाएगा, साउथ एशिया के अंदर एंडेमिक है तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया सॉफ्ट शेल टर्टल, गैंगिस सॉफ्ट शेल टर्टल, सो इट्स अ स्पीसीज ऑफ सॉफ्ट शेल टर्टल फाउंड इन साउथ एशिया, सो गंगा, इंडस, महानदी इन रिवर्स में मिलता है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, ठीक है, तो ये भी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल, सो इट इज स्पीसीज ऑफ टर्टल नेटिव टू साउथ एशिया एंड कन्फाइंड इन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। और IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1, ठीक है। तो सारे याद रखने की जरूरत नहीं है जो न्यूज में थे, एंड जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या कुछ एंडेमिक उसमें रिलेटेड है तो उसको ये देख लेना। जैसे ये लेदर बैक टर्टल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा न्यूज में था, वो जो न्यूज बताई थी ना अंडमान निकोबार की कंस्ट्रक्शन वाली, सो उसमें इस स्पीसीज को लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। सो लेदर बैक टर्टल इज द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग सी टर्टल, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये टर्टल की वैसे जो मराइन टर्टल्स हैं उनकी कोई 5-6 स्पीसीज हैं ओवरऑल, और उसमें से सबसे बड़ा जो है वो लेदर बैक टर्टल है, एंड इसका वेट जो है 250 से 700 किलो हो सकता है, तो हमारी गाड़ी से भी ज़्यादा भारी होता है ये। सो इसका जो प्राइमरी हीटिंग सोर्स है इट्स कॉल्ड जेलीफिश, तो कार्निवोर है, ठीक है, तो उस सेंस में बताना चाहिए। और हम अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस में लोकेटेड है, एंड फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट्स ऑफ वाटर्स ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, तो एक बहुत वाइड रेंज में मिलता है, और थ्रेट्स वही सब कॉमन है, लेकिन इसका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, एंड शेड्यूल 1 में और अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। तो ये जो टर्टल है इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। आई थिंक हाँ, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसके ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया, घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल एंड स्वान डियर, विच वन ऑफ द अबव इज और आर एंडेंजर्ड, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल, मतलब एग्जैक्टली एंडेंजर फेंडेंजर वाला पूछा तो नहीं है इसने काफी टाइम से, बट पूछ सकता है, ठीक है। तो यू शुड बी अवेयर के जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है उनके बारे में पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक जब हम एंडेंजर टर्टल तो हम, वन एंड टू होना सर, एंडेंजर्ड में हम उसको भी कंसीडर करेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड को? हाँ
थिंक थोड़ा सा ये यहाँ पे वो शेडी एरिया हो जाता है कि यार उसमें कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई थिंक शायद इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने कंसीडर किया था, मेरे को भी याद नहीं प्रॉपरली क्या आंसर था इसका। हाँ तो आई थिंक इसने नहीं कंसीडर किया था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड उसने अलग ही रखा था, यहाँ पे सिर्फ एंडेंजर्ड का पूछ रहा था। तो घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, तो वन एंड ए और सी जो थे वो एलिमिनेट हो जाते, एंड लास्ट में स्वैम डियर बच रहा था। तो आई थिंक स्वैम डियर तो नहीं है, बारासिंगा जो है वो वल्नरेबल है। ठीक है, सो ये आंसर हो जाना था डी इसका। तो आई थिंक ये वाला हमने क्वेश्चन देख लिया, तो हम आगे फॉलो कर सकते हैं कि अगर एंडेंजर्ड पूछ रहा है तो सिर्फ एंडेंजर्ड ही बताना है उसको, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं इंक्लूड करना है इसके अंदर। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था, इसमें एंडेमिक और नेटिव में क्या डिफरेंस होता है? मतलब एंडेमिक टू साउथ एशिया और नेटिव टू साउथ एशिया, आई थिंक as such क्योंकि क्योंकि बोल सर सकते हैं। हाँ 2021 में एक क्वेश्चन आए थे ना जो पाम ऑयल वाला आया था, तो उसमें नेटिव बोला था पहले साउथ ईस्ट एशिया, और एक में एंडेमिक बोला था, तो उसमें कंफ्यूजन था। तो आई थिंक वो शायद एंडमिक के सेंस में ही बात कर रहा होगा, या नेटिव में, मतलब थोड़ा यार वो थोड़ा सा शेडी हो जाता है कि नेटिव अगर बोल रहा है कि उसका ओरिजिन शायद पूछ रहा हो कि वो वहाँ का है, तो वो यार थोड़ा शेडी एरिया है कि हम ये नहीं कह सकते, बट आई थिंक आप सर एक बार क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कीजिए, पाम ऑयल। हाँ क्वेश्चन तो देखा भी था हमने पाम ऑयल वाला पहले भी। और एक टैमरिंड वाला पूछा था, तो इन दोनों में एक में एंडेमिक यूज किया था और एक में, हाँ ये ये रहा ना नेटिव टू, तो ये नेटिव पूछा था एंड एक में आई थिंक एंडेमिक पूछा था। टैमरिंड वाला सर। टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक उसी सेंस में ही लेना था कि नेटिव बोल रहा है, तो मतलब आई थिंक दोनों में अगर हम उसे एंडेमिक मान के भी करते तो भी आंसर शायद सॉल्व हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं था इसको कि तो सर हम। ऐसे कर सकते थे, क्योंकि देखो सिट्रस ट्री है ये, तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं जो मेडिटेरियन एरिया होता है वो फेमस होता है काफी सिट्रस ट्रीज के लिए, तो एंडेमिक तो नहीं होगा एकदम। करेक्ट, आई थिंक दोनों क्वेश्चन में अगर आप एंडेमिक और नेटिव को सेम वर्ड की तरह भी ट्रीट करो तो भी आई थिंक आंसर वही आना था, ऐसा नहीं था कि आंसर चेंज हो रहा था, है ना। हाँ, आंसर चेंज नहीं हो रहा था, बट इसमें सर डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब मुझे, मैंने सर्च नहीं किया, बट अभी मैंने थोड़ा इसको देखा, कंसीडर करता हूँ, मैं बताता हूँ सर देख के। हाँ मतलब इस पे कुछ मिलता है तो बताना कि यार नेटिव में या उसमें आज सच कोई डिफरेंस होगा, तो ठीक है, मतलब कहीं कहीं आई थिंक थोड़ा हिंदी वाला ट्रांसलेशन को भी आप हेल्प ले सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा कि हाँ वो किस सेंस में बात कर रहा है, तो ये तो एटलीस्ट अपने पास एडवांटेज है कि पेपर में वहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा तो बात अलग है, बट हाँ कहीं कहीं जजमेंट कॉल्स हो जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन में हो जाता है। एनीवेज चलता है इतना तो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलिव रिलेटेड, तो ये तो आई थिंक इतना कॉमन है कि इसको तो कभी पूछेगा नहीं यूपीएससी, क्योंकि हर साल ये न्यूज़ में रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो ऑलिव रिडले के बारे में सबने पढ़ा हुआ है, स्मॉलेस्ट है ऑफ ऑल मरीन टर्टल्स, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल वल्नरेबल पॉपुलेशन माइग्रेट्स एवरी विंटर टू द इंडियन कोस्टल नेस्टिंग मेनली एट द ईस्टर्न कोस्ट। तो ये जो पूरा जो नेस्टिंग प्रोसीजर है इसके लिए एक इंडिया में, मतलब ये जो ओडिशा का स्टेटस में एक वर्ड यूज होता है, किसी को पता है ये नेस्टिंग जो पूरे प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? अरीबाड़ा। अरीबाड़ा, राइट, वेरी गुड, सो अरीबाड़ा इसके लिए वर्ड है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए मोस्टली ट्रॉपिकल वाटर्स में रहते हैं, एंड इस लोकेशन भी देख सकते हो जो ट्रॉपिकल वाटर्स है, अटलांटिक का हो गया, पैसिफिक का हो गया, इंडियन ओशन का हो गया, तो उस पूरी रेंज में ये स्पीशीज जो है लोकेटेड है, ठीक है। एंड ये वर्ड भी लिखा हुआ है, इंडिया में इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स कौन से, एक तो गहीर माथा मरीन सेंचुरी है एंड दूसरी ऋषिकुल्या रुकरी कोस्ट, दोनों उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आंध्रा के भी कुछ रीजन्स के अंदर ये लोग आते हैं तो वो पता होना चाहिए। थ्रेट्स पता ही है बाकी सब लोगों को, आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल,
अपेंडिक्स और सॉरी WPA और साइट्स दोनों के अंदर जो शेड्यूल वन है और अपेंडिक्स वन है उसमें लोकेटेड है। नेक्स्ट सी टर्टल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल एवरेडली टर्टल एंड अदर मरीन टर्टल्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इनिशिएटेड सी टर्टल कंजर्वेशन इन कोलैबोरेशन विद UNDP, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में लोकेटेड है, इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है। आई थिंक बाकी तो कॉमन से पॉइंट है कि जो 10 कोस्टल स्टेट्स हैं ऑफ द कंट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ओडिशा, तो ज़्यादातर यहीं पे आते हैं, तो उनका जो नेस्टिंग साइट है उनका प्रोटेक्शन वगैरह करना है, और सैटेलाइट टेलीमेट्री के थ्रू उनके पूरे जो माइग्रेटरी रूट है उसको एनालाइज करके उनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स को डिप्लॉय करना, ठीक है। सो जनरल से पॉइंट है ये पता होना चाहिए सी टर्टल प्रोजेक्ट जो है वो UNDP, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब इन्वॉल्व है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट वल्चर्स पे आते हैं। तो हमने आई थिंक वल्चर्स पे डिस्कस भी किया था कि इंडिया में 90% ड्रॉप हो गई थी वल्चर की पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ अ मेडिसिन कॉल्ड डाइक्लोफेनाक, ठीक है, क्लोफेनाक। तो बेसिकली एक पेन किलर था जो कि जानवरों को दिया जाता था, कैटल्स को, एंड जब ये वल्चर्स इस उन जानवरों को खाते थे, क्योंकि हमें पता है वल्चर जो है इम्पोर्टेंट क्या डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ वर्ड था स्कैवेंजर्स, ठीक है। सो स्कैवेंजर्स है तो वो डेड एनिमल्स को खाते थे, जिसकी वजह से ये डाइक्लोफेनाक जो है उनके अंदर चला जाता था। तो बेसिकली हम कहते हैं ना बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल था कि वो एनिमल्स के बॉडी के अंदर रह जाता था एंड फिर बॉडी से वो वल्चर्स में चला जाता था, जिससे वल्चर्स मर गए थे, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर कैन बी फाउंड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर करंटली क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट इस पे चलते हैं। सो ये थोड़ा सा ये स्टेटस देख लेना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करें तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वल्चर की। वाइट रम वल्चर, वाइट बैक्ड वल्चर, रपल्स वल्चर, इंडियन वल्चर एंड स्टैंडर्ड बिल वल्चर, फिर केप वल्चर, हिमालयन वल्चर, ग्रिफिन वल्चर। तो ये आई थिंक इनके ऊपर है, बट आई डोंट थिंक यार इतना ब्रॉडली वो UPSC पूछेगा, क्योंकि इस स्पेसिफिक बर्ड के अंदर बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें से कभी कुछ पूछेगा, बट ऐसे पता होना चाहिए जो मेन मेन पॉइंटर्स थे कि कौन कौन से जो प्रॉब्लम क्या हुआ था इस बर्ड स्पीशीज के साथ, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में एक लंबी लिस्ट है, तो अगर याद रख सकते हो तो गुड है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं। अगर कोई न्यूज़ में आई है ना, अगर न्यूज़ में कहीं कुछ पढ़ा है तो उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, तो इसके जो कंजर्वेशन को लेकर एफर्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं क्योंकि वो न्यूज़ में थे, ठीक है। सो स्टेप्स देख लेते हैं बाय गवर्नमेंट। द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड स्लेंडर बिल्ड वॉज अपग्रेडेड फ्रॉम Schedule 4 टू Schedule 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो पहले Schedule 4 में थे, अब Schedule 1 के अंदर है, तो प्रोटेक्शन स्टेटस है जो इनका इंक्रीज कर दिया गया है। द स्पीशीज इज ऑल्सो अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, नेक्स्ट वल्चर रेस्टोरेंट्स आर क्रिएटेड वेयर टेबल्स आर रिजर्व ओनली फॉर यूनिक एंड रेयर वल्चर्स बाय महाराष्ट्र एंड पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। वल्चर रेस्टोरेंट्स इनके लिए बनाए गए हैं, तो उनके लिए इन डेड ऑर्गेनिजम जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके कारकर जो है इनको लाके टेबल पर रख देते हैं, फिर ये खाना खाने आते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो हमने बात किया था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उसका एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर ये, ठीक है। सो सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है, मतलब इसकी वजह से हम देख सक रहे हैं कि इंडिया में जो वल्चर का पॉपुलेशन है अभी बढ़ रहा है थैंक्स टू दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट वल्चर सेफ जोन्स हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व पॉपुलेशन एंड फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ वल्चर्स इनटू द वाइल्ड, ठीक है। सो इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करी जा रही है, मतलब लैब्स के अंदर इनको प्रिजर्व किया जा रहा है, इनके जो एग्स है उनको हैच कराया जा रहा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, और फिर इनको वाइल्ड में छोड़ते हैं, तो उसके लिए वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, ठीक है।
ये वल्चर सेफ्टी जोन है, अगेन कंसेप्ट टाइगर रिजर्व जैसा ही है कि एक कोर जोन है और एक बफर जोन है, ठीक है। सो बस यहाँ पे एक्टिविटीज जो है वो मोस्टली डैक्नोफिलैक का जो प्रेवलेंस है उसको कम रखना है कोर जोन्स में, और बफर जोन में फिर भी चल सकता है, ठीक है। सो अभी इम्पोर्टेंट, आई थिंक रिसेंटली बनाया गया था, वल्चर सेफ्टी जोन इज स्प्रेड अराउंड इन सेवरल किलोमीटर कवरिंग द जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, दुधवा एंड कतरनिया घाट फॉरेस्ट रिजर्व इन यूपी, एडजॉइनिंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, एंड नेपाल हैज ऑलरेडी सेट अप VAZ ऑन द इंडियन बॉर्डर, ठीक। सो ये वल्चर सेफ्टी जोन है इंडिया के अक्रॉस पिंजौर हरियाणा में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है या कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के अंदर, देन राज राज भाटाखावा वेस्ट बंगाल, मजौली आइलैंड हजारीबाग, बुक्सवा बुक्सवा इन बुंदेलखंड, सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र, ठीक है। तो इंडिया में ये 8 सेफ जोन है फॉर वल्चर्स। आई थिंक इसके अलावा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्शन प्लान है वल्चर कंजर्वेशन के लिए इंडिया के अंदर, विच इज एक्सटेंडेड टू 2025, विच एम्स एट हॉल्टिंग द डिक्लाइन, जो डिक्लाइन है उसको कम करना है। सो ऑब्जेक्टिव इट्स टू इंश्योर द वेटनरी NSRID स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, ठीक है यार इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ ये देख लो, डिक्लोफेनाक जो था उसको बैन किया था, तो बैन करने के बाद एक ऑल्टरनेटिव निकाला था, सो मेलोक्सिकैम, ये जो मेडिसिन है ये इसका एक ऑल्टरनेटिव था, और ये हार्मलेस है वल्चर के लिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि उसको बैन किया था तो कुछ ऑल्टरनेटिव लेके आए थे, लेकिन उसका कोई एज सच नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था वल्चर पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हंगुल एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, प्रोजेक्ट हंगुल चल रहा है कश्मीरी स्टैग, ये अगेन एक एंडेमिक स्पीशीज है, ठीक है, केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है, और कोई बता सकता है कौन से नेशनल पार्क में मिलता है ये? वैसे लिखा हुआ ये यहाँ पे दच्चीगाम नेशनल पार्क, ठीक है, सिर्फ यहीं पे मिलता है। और एक और सवाल बनता है, इंडिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? यही है, दच्चीगाम ही है, ठीक है। सो हंगुल कश्मीरी स्टैग इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन डियर, नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर, ओनली फाउंड इन दिस दच्चीगाम नेशनल पार्क, एंड ठीक है, द स्पीशीज डिडवल टू एज लो एज 150 एनिमल्स बाय 1970, और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अलॉन्ग विद IUCN WWF प्रिपेयर्ड फॉर प्रोजेक्ट हंगुल, यहाँ पे इनकी स्पीशीज जो नंबर्स है उनको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये हंगुल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, सो ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंदर हम लोग जो वाइल्ड लाइफ है जो जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे है उनका जो रिकवरी है वो करा रहे हैं, ठीक है। सो अंडर IWH फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स एंड यूटीज फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम की बात करें तो सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व, इन सबको सपोर्ट दिया जाता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है तो वहाँ पे भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट, द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड लोकली स्पीशीज अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, क्या, तो ये पूरी लिस्ट है जो एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कैराकिल कैट, ये भी रिसेंटली इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है, और तो इसके बारे में बताना चाहिए। आई थिंक शायद चैनल के अंदर इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, तो एक बार उसको भी देख लेना। नेक्स्ट बात कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड इन इंडियन क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट विद गेल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आई वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। तो जितने भी स्पीशीज हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इस लिस्ट के अंदर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा एक्स्ट्रा इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई थिंक इससे रिलेटेड शायद कुछ पर्सनैलिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने। सो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया
इज अ स्टेट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन एनिमल वेलफेयर एंड प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर. ठीक है, तो ये 1960 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था. और पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960. ठीक है, एक पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, बट ये पीसीए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल 1960. नेक्स्ट इसमें बात करें, द सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टिल 2019 इट वॉज ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री को ट्रांसफर कर दिया गया. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन है इसके अंदर, इसके बारे में बताना चाहिए. नेक्स्ट, दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड इट इंश्योर्स दैट द एनिमल वेलफेयर लॉज इन द कंट्रीज आर फॉलोड. एंड इसके अलावा ग्रांट देता है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को. तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका एक मेजर रोल रहा था इसको सेटअप करने में. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है मॉडर्न इंडिया में भी, आई थिंक पढ़ते हैं इनके बारे में, पता होना चाहिए. ठीक है, आई थिंक बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ तो उसको थोड़ा सा देख लेना यार. जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश अंडर ईपी एक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टेट्यूटरी, ये सही है. नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी सेट बाय प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो आई थिंक इसके अंदर तो हम लोगों ने फर्स्ट को अगर हम एलिमिनेट कर दें, वी लेफ्ट विद 2 एंड 3 एंड प्रॉब्ली थर्ड वाला सही था क्या? हाँ, थर्ड वाला पॉइंट भी सही है. सो आंसर जो है इसका 2 एंड 3 हो जाएगा, बी. ठीक है, सो ठीक है, आई थिंक और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 17 से लेके 31 तक, तो वो भी ये थर्ड एक्शन प्लान चल रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. 5 components, 17 theme, 103 action, conservation action and 250 projects. ठीक है, सो अगर एक्शन प्लान की बात कर ले, ऊपर से देख लेते हैं. स्ट्रेंथिंग एंड प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, प्रमोटिंग इको टूरिज्म, नेचर एजुकेशन. Fourth, strengthening wildlife research, monitoring of development of human resource in wildlife conservation, enabling policies and resources for the conservation of wildlife in India. ठीक है, तो broad, I think general से कुछ objectives है इसके, तो इतना ज़्यादा important नहीं है. Alright, ठीक है. एक important fact इसमें, it approach, it adopts the landscape approach of conservation. यानी जो species का जो natural environment है, उस पूरे को protect किया जाए. सिर्फ ऐसा नहीं, हम लोग species पे focus करें, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए हम कह सकते हैं एग्जांपल है ये इन सीटू कंजर्वेशन का. ठीक है, सो इट अंडरस्कोर्स द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट फंड फ्लो फ्रॉम सीएसआर फंड. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो एम्फसाइज अपॉन टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम. Some new issues have been considered in the third wildlife action plan. So climate change को include किया गया, wildlife health को include किया गया, inland coastal and marine conservation को include किया, and lastly wildlife conflict mitigation को involve किया. ठीक है, landscape approach के बारे में हमने focus कर ही लिया. Next देखते हैं, national action plan for conservation of migratory birds 2018 to 2023. ठीक है, so MoEFCC has developed the plan for conservation of migratory species and their habitats along Central Asian Highway, sorry, Flyway, for the period from 18 to 23. The long-term goal is to arrest population decline and secure habitats of the migratory species. In short run, plan seeks to halt the downward trend in declining meta population by 2027. Okay, so ये I think थोड़ा सा important है. टारगेट ईयर पता होना चाहिए इस एक्शन प्लान का, मतलब टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तो 18 से 23 है. एंड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात करें, इनफैक्ट आई थिंक इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने, कि शायद देख लेते हैं एक बार, अगर है तो ये.
नहीं, आई थिंक इस पे नहीं पूछा होगा, मेरे कुछ और क्वेश्चन था। सो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये जो एक रूट है इसका। सो फ्लाईवेज आर यूज बाई ग्रुप ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग देयर एनुअल साइकिल, ब्रीडिंग एरिया, स्टॉप ओवर एरिया एंड विंटरिंग एरिया। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक अलग मोटिव होता है ये माइग्रेशन का। कुछ का ब्रीडिंग होता है, कुछ का स्टॉप ओवर होता है एंड कुछ का विंटर। बट मोस्टली माइग्रेशन जो होता है वो जो टेम्परेचर होता है, जो क्लाइमेट होता है, उनके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, इसलिए वो फेवरेबल क्लाइमेट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वन अमंग द 9 फ्लाईवे आइडेंटिफाइड बाय सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। सो दिस एक्सटेंड फ्रॉम रशिया का जो साइबेरिया वाला एरिया, वहां से एक्सटेंड करके द सदर्न मोस्ट नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड इन द वेस्ट एंड साउथ एशिया, द मालदीव एंड द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ठीक है, ये थोड़ा सा फैंसी नेम है मॉरिशियस के लिए, आई थिंक तो ये पता होना चाहिए, डियागो गार्सिया वाला। नेक्स्ट, इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक रोल इन सर, फ्लाईवे। इसमें हमें मे बी ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज सर माइग्रेट करती है इंडिया में, जैसे अमूर अमूर फैल्कन एक जो रशिया से माइग्रेट करती है, तो इस टाइप से कुछ और स्पीसीज का मतलब कलेक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। आई थिंक मोस्टली न्यूज में जो है उनको देख लो, अदरवाइज स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पीसीज के पीछे जाने का तो ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि तो बहुत नहीं सारी सर, बस स्पीसीज होती है। बेसिक थोड़ी एक दो स्पीसीज पता होनी चाहिए मतलब। राइट, तो जो आई थिंक इम्पोर्टेंट है वो उनको देख लो। ठीक है, सो ये चीज है। बाकी आई थिंक ऐसे इस पे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली तो शायद मेरे हिसाब से पूछा नहीं है इन्होंने। ठीक है, सो इंडिया का एक क्रिटिकल रोल है, आई थिंक हम देखते भी है, जैसे राजस्थान का भरतपुर हो गया है, जो केवला देव वगैरह हो गया, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट स्टॉप होते हैं। इसके सर अलावा ये काफी हॉट टॉपिक इसलिए क्योंकि 2020 में गांधीनगर में हुई थी ना सीएमएस की कन्वेंशन, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि सीएमएस एक्सपेक्ट में, कर हाँ रहे थे हम 21 में आएगा, बट वो आया नहीं है, तो 22 में आ सकता है सर कुछ बर्ड से करेक्ट, रिलेटेड। कल हमने देखा भी था इसके बारे में पूरा कि थीम क्या रहा था और कौन कौन से स्पीशीज इंडिया ने अपनी तरफ से इंक्लूड करवाए थे। जैसे आई थिंक एलिफेंट को इंक्लूड कराने की कोशिश करी थी, ड्यूगोंग को इंक्लूड कराने की कोशिश करी थी, तो वो सब स्पीशीज भी थोड़े इम्पोर्टेंट है, तो उस सेंस में एक तो सर स्पीशीज भी ग्रेट आते हैं। इंडियन बस्टर को किया था, और एक बंगाल फ्लोरिकन को किया था, और एक और कोई स्पीशीज थी, कोई एक शार्क की स्पीशीज थी जो इंडियन ओशन में मिलती है, मुझे याद नहीं आ रहा। ड्यूगोंग भी तो करा था, ड्यूगोंग। तो आई थिंक ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में थे। जी, ये इसको जीबी भी, आई थिंक जीबी तो किसी वो मैस्कॉट का नाम था, गोदावन भी बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बंगाल फ्लोरिकन अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ड्यूगोंग की बात करें तो वो वल्नरेबल है। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव है, एंड वो वाइट हेड शार्क जो है वो भी इंक्लूडेड है। तो आई थिंक कोई 7-8 स्पीसीज इंक्लूड किए थे, तो जो इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उन स्पीसीज को जरूर ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ग्रीन गुड डील इनिशिएटिव। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल सेक्टर है। अभी तक जितने भी हम एनवायरनमेंट रिलेटेड स्कीम्स देखते थे मोस्टली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थे, बट ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सो ग्रीन गुड डीड इनिशिएटिव इज अबाउट सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट स्टूडेंट टीचर सिटीजन कैन परफॉर्म इन देयर डे टू डे लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सो इसी लाइंस पे हमने एक नेशनल ग्रीन कॉप्स बनाया है। ठीक है, ऐसा एनसीसी होता है वैसे, आई थिंक ये रिसेंटली किसी बजट के अंदर ही आया था, अभी एक दो दो 3 सालों में, है ना? किसी को याद है क्या इसके बारे में? नहीं सर, ठीक है, कोई नहीं। सो अंडर एनजीसी 1.5 लाख ईगो क्लब्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एनजीसी एक्टिविटीज, क्या है वो, क्लीनलीनेस ड्राइव है, स्वच्छ भारत अभियान, प्लांटेशन ड्राइव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जनरल चीज है, ग्रीन गुड डीड इनिशिएटिव सेंट्रल सेक्टर्ड है, और इसमें हमने नेशनल ग्रीन कॉर्प्स बनाए जैसे एनसीसी एनएसएस की लाइन पे। नेक्स्ट, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, तो इसके बारे में हमने कई बार बात कर ली है, एनजीओ है और कंजर्वेशन करता है बायोडाइवर्सिटी एंड रिसर्च का, फाउंडेड इन 1883। ठीक है, और ये अपना एक जनरल भी निकालता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट नेचुरलिस्ट, सलीम अली, एस डिलन डिलन रिप्ले, ये सब इसके साथ एसोसिएटेड थे, इनफैक्ट सवाल भी पूछा हुआ है। सो इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट,
सही है, इट्स ट्राइड टू कंजर्व थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एंड एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट्स नेशनल ट्रेल्स एंड कैंप फॉर जनरल पब्लिक. तो तीनों आई थिंक स्टेटमेंट सही है. सॉरी, ये वाला गलत हो जाता. इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज, नॉट एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, एनजीओ है ये अपना. तो आंसर जो था 2 एंड 3 हो जाना था. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो था, इसमें फर्स्ट वाला गलत था, तो इसलिए सेकेंड एंड थर्ड आंसर हो जाना था. मे बी सर, इसका एक और वर्क है जो रेड डाटा बुक होती है पब्लिश करती है, उसमें जो बर्ड वाली स्पीसीज होती है वो यही मतलब फाइंड आउट करता है, कुछ इससे राइट. रिलेटेड भी कुछ है. मतलब ये हमने जैसे देखा था, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, उसके एसोसिएटेड ये एजेंसी है, तो ये उनको देते हैं, वो फिर आगे रेड डाटा बुक के लिए देते हैं IUCN की जो है. सो हाँ, ये इम्पोर्टेंट इन्फो है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर बार न्यूज़ में आता ही रहता है ये भी. तो सही है, कूल है. नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स टूवर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, इज एन NGO, इम्पोर्टेंट, एस्टेब्लिश इन 1961, हेडक्वार्टर इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड. कल हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन देखी थी जिसका हेडक्वार्टर सेम है, तो बता सकते क्या है? सेम हेडक्वार्टर है. सो IUCN जो है उसका भी यही हेडक्वार्टर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड. ठीक है, इट वॉज फॉर्मली नेम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. इट वर्क्स इन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. WWF स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमन लिव इन हार्मनी विद नेचर. ठीक है, तो इनिशिएटिव की बात करें, कल हमने ट्रैफिक के बारे में बात किया था. ट्रैफिक एक इम्पॉर्टेंट NGO है, सिमिलर फंक्शन है जैसे साइट्स है, बट साइट्स अपने आप में एक एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स, बट ट्रैफिक इज सिंपली एन NGO फॉर्म बाई WWF एंड IUCN. ठीक है, तो कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और इसका आई थिंक हेडक्वार्टर ट्रैफिक का जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर है, लंदन के अंदर. सो ट्रैफिक एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है. इसके अलावा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकालता है जो कि हर 2 साल में निकलती है, ये इम्पोर्टेंट है. एंड अर्थ आवर जैसे कैंपेन है, वो ये चलाता है. ठीक है, तो वो पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अर्थ आवर पे इनफैक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये देख लो क्वेश्चन, कोई रीड कर देगा क्या ये क्वेश्चन प्लीज? मैं ही कर देता हूँ सर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर. फर्स्ट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को. सेकेंड, इट इज अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर. इट इज अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो 1 एंड 3, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2, 3. तो सर फर्स्ट तो गलत है, सेकंड ठीक है, देन थर्ड भी एक जनरल स्टेटमेंट है वो भी ठीक ही है. तो ये था अर्थ आवर के बारे में. तो मतलब ऐसे नॉन, मतलब नॉन गवर्नमेंट बेस्ड ऐसे इनिशिएटिव है, उनके बारे में भी पूछ लिया, तो इम्पोर्टेंट है. सो अर्थ आवर जो है ये बेसिकली WWF का इनिशिएटिव है, 8:30 से 9:30, और आई थिंक शायद 27 मार्च है. ठीक है, इसमें ये अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. सर ये मतलब क्या इसकी बोलते फिक्स डेट नहीं होती है अवतार की, ये शायद लास्ट सैटरडे या संडे को होता है मार्च के, वो चेंज होता रहता है. हाँ, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च. हाँ, करेक्ट करेक्ट. आई थिंक यहाँ इसीलिए थोड़ा सा डेट अलग रहता है शायद इस बार, मेरे ख्याल से कुछ 26 या हाँ 26 को था शायद. तो ये याद रखना, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए आज सच कोई फिक्स नहीं होता. ठीक है, और वो 1 घंटे का टाइम रहता है, तो उसमें हम लोग करते हैं. इसके अलावा ये देख लेता, अर्थ डे नेटवर्क. सो अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय अर्थ डे नेटवर्क टू शो सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, इस बार अर्थ डे का जो 2020 में थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन. ठीक तो यही था इसके अंदर. नेक्स्ट, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. ठीक है, ये भी अभी न्यूज में था क्योंकि जापान ने शायद इसमें से विड्रॉ कर लिया है, जो भी सेल्फ इम्पोज उसने वो लगाए थे रेगुलेशन अपने ऊपर, तो ये भी न्यूज में था. सो ये चीज देख लो, पहला तो इट्स नॉट एन UN ऑर्गेनाइजेशन,
It is set up by terms of international convention for regulation of whaling. It makes proper conservation of whale stock. So it designate area as well whaling sanctuary. So Southern Ocean Whale Sanctuary, Antarctica, Indian Ocean Whale Sanctuary, Seychelles. ठीक है, तो इन्हें whaling sanctuaries designate करता है. हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है उसका हेडक्वार्टर है. एंड पार्टिसिपेशन इन आईडब्ल्यूसी नॉट लिमिटेड टू स्टेट इन्वॉल्व इन व्हेलिंग. ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ जो व्हेल्स का जो शिकार करते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो या व्हेल से कोई इंटरेक्शन हो वो इन्वॉल्व हो, कोई भी हो सकता है. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर. इन 1982 इट अडॉप्टेड मॉरिटोरियम ऑन कमर्शियल व्हेलिंग. ठीक है, तो जापान के कल्चर में था कि हम लोग जो व्हेल का जो क्या बोलते हैं उसको नॉन वेज जो है व्हेल का उसको खाए, तो उसके ऊपर बैन लगाने के लिए इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ठीक है, सो 1982 से ये मॉरिटोरियम अप्लाई किया गया था. एंड इन सितंबर 2018 आईडब्ल्यूसी मेंबर गैदर्ड इन फ्लोरियापोनिस ब्राजील वेयर दे रिजेक्टेड प्रपोजल बाय जापान टू रिन्यू कमर्शियल व्हेलिंग. As a result, Japan announces withdrawal from IWC. ठीक है, तो एक important organization है. ऐसे जैसे इतना अभी recently तो news में नहीं है, तो but देख लेना, पता होना चाहिए. Next is evolutionary distinct and globally endangered species called edge species. ठीक है, तो पहले हमने edge species कहाँ देखा था कि जो ecotone area होता है वहाँ पे जो species diversity होती है वो ज़्यादा होती है, and उसके अंदर जो species सबसे ज़्यादा होती है it's called the edge species. ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट एक ऑल टुगेदर प्रोग्राम है कॉल्ड एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज. सो इट्स अ ग्लोबल कंजर्वेटिव इनिशिएटिव टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन थ्रेटन्ड स्पीशीज दैट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूनिक इवोल्यूशन हिस्ट्री. द एज हैव फ्यू और नो क्लोज रिलेटिव्स ऑन द ट्री ऑफ लाइफ एज आर एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट इन द वे दे लुक लिव बिहेव एज वेल एज जेनेटिक मेकअप. इफ दे डिसअपीयर दे विल हैव नथिंग फॉर द नथिंग लाइक देम लेफ्ट ऑन द प्लैनेट. Edge program aims at future survival of edge species. Species A have higher edge score than B and C. ठीक है, so basically ऐसी species जो कि पूरे जो scale हमारे जो evolutionary tree है उसमें distinct होती है. जैसे हम कह सकते हैं कि tiger और lion जो है वो एक feline species में आते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी species होती है जो बिल्कुल ही distinct होती है. जैसे कि हम कह सकते हैं salamander जो होता है वो थोड़ा सा unique होता है. और इंक्लूड किया जाता है और रेटिंग क्या रहती है ए बी सी की रेटिंग रहती है. तो जितना मतलब ए अगर मिला है तो उसकी हायर वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्टनेस. ठीक है, तो ये था. So, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया. नेक्स्ट यार ये फॉरेस्ट सर्वे वाला जो है ये हम 2020 का रिपोर्ट देखेंगे, तो इसको बाद में देखते हैं. अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है फिर हमें? ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड इश्यूज वाला है. तो यार ऐसा करते हैं, आई थिंक सबके खाने वगैरह का टाइम हो रहा होगा, तो ये वाला जो पार्ट है इसको कल करते हैं, है ना, संडे को चलेगा ना सबको? सर फिर साधक क्लास हो जाती है संडे को, कल वो भी करना है विजन. हाँ यार करना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं अभी. या तो कोई और कर सकता हो क्योंकि मेरे को भी खाना खाना पड़ेगा. सर मैंने तो कर लिया सर. सर आप अभी बीच में साइलेंट हो गया था तो मैं डिनर ही कर रहा था. हाँ मेरे को लग रहा था. तो फिर ऐसा करते हैं यार, कल में कुछ टाइम निकालते हैं ये वाला कंप्लीट करने के लिए. सर ये तो किसी और को दिया था ना आपने ये चैप्टर? हाँ बट आई थिंक वो शायद अभी आई नहीं है जिसको दिया था. आई थिंक उसका भी वही प्रॉब्लम हो गया था, वो टाइम का शायद इश्यू हो गया था, टाइम चेंज हो गया. तो आज सर जो विजन वाला वो होगा? हाँ आई थिंक यार ऐसा करते हैं कि ना
कोशिश कर दे कि उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड करने की कोशिश करें, जो रात में विजन वाला करते हैं ना। सर उसकी थोड़ी टाइमिंग सर चेंज हो सकती है, मतलब वो मुझे सुटेबल नहीं लगती क्योंकि वो एकदम